हेलो दोस्तों, मैं देशांत एक बार फिर से साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक होगा हमारा मेमोरी। एक्चुअली मेमोरी क्या होती है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। मेमोरी क्या होती है, ठीक है? तो मेमोरी रेफर टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड लेटर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? मतलब ये कि जिन चीजों को हम एक्वायर करते हैं, मतलब जिन चीजों को हम ग्रहण करते हैं या लेते हैं, और जिन चीजों को हम स्टोर करते हैं, कोई भी चीज, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी ऐसी कंडीशन को जो हमारे माइंड में लंबे समय तक रह जाते हैं, और उनको बाद में जरूरत पड़ने पर रिटेनिंग भी करते हैं। रिटेनिंग मतलब रिट्रेवल भी करना होता है, मतलब उन्हें दोहराना भी होता है, ठीक है? ये होती है हमारी मेमोरी। क्लियर? हॉप की मेमोरी क्या होती है समझ में आ गया होगा। मेमोरी एक बार फिर से समझो, मेमोरी हमारी वो चीज होती है जिन चीजों को हम लंबे समय तक एक्वायर कर लेते हैं, जिन चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक हम उनको याद रख पाते हैं, ठीक है? ठीक है, क्लियर? तो देर आर थ्री मेजर प्रोसेस इन मेमोरी। तो मेमोरी के तीन प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से हमें समझ में आता है कि मेमोरी क्या होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकोडिंग की। इनकोडिंग मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, और सेकंड नंबर पे हम स्टोरेज की बात करेंगे, थर्ड नंबर पे हम रिट्रेवल और रिकॉल की बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें इनकोडिंग मेमोरी, ये क्या होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। ये एनकोडिंग मेमोरी के अंदर कैसे आते हैं, देखो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से हमारा जो मींस होता है, इसमें जो हमें बाहरी दुनिया में, मतलब बाहर की दुनिया में जो एनवायरमेंट होता है, उसमें जिन चीजों को हम देख लेते हैं और वो हम अपने माइंड में एक इमेज बना के या साइन बना के रख लेते हैं लंबे समय तक, जो चीजें हमें एनवायरमेंट में देखने के बाद एक लंबे समय तक याद रह जाती हैं, वही तो हमारा एनकोडिंग मेमोरी के अंदर आता है। फिर से समझो, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से मतलब यह होता है कि जिन चीजों को हम ऐसे देख लेते हैं एनवायरमेंट में, और वो कुछ हो सकता है, कई बार वो एक बहुत ही अचंभित हो, मतलब शॉकडेबल, और बहुत ही आश्चर्यजनक हो, या फिर कुछ ऐसी मेमोरी जिनको हमें याद रखना जरूरी होता है, उनको हम बाहर की दुनिया में देख के याद रख लेते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उस मेमोरी को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है या उसको स्टोर कर लेता है या रख लेता है, और ये हमारी मेमोरी के अंदर आ जाती है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज। इसमें हम उन मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमने कुछ देखा और हमने इसको माइंड में रख लिया, या बाहरी दुनिया में कुछ भी हमने कोई चीज देखी, या हमने कुछ पढ़ा, या हमने कुछ भी देखा, कुछ ऐसा जो हमें याद रहा आया, जिसको हमने याद रख लिया, ठीक है? जिन चीजों को हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं या याद करके रख लेते हैं, वो हमारा स्टोरेज मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है? एक होता है रिट्रेवल या रिकॉल। जो चीजें हमारे माइंड में या ब्रेन में स्टोर हो जाती है, नर्वस सिस्टम जिन चीजों को कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है, उन चीजों को जरूरत पड़ने पर एक समय के बाद, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे किसी चीज से रिलेट कोई दूसरी चीज थी, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करी हुई अपनी मेमोरी से सोचेंगे, तो हमें याद आएगा कि अरे हाँ ऐसा तो वो था, तो हम क्या करते हैं उसको रिकॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, आपने जो पढ़ा है पूरे टाइम में, पूरे साल में, पूरे सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है, आप एग्जाम के टाइम पे क्या करोगे, आप उसको तब तक के लिए स्टोर करके रख लोगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, फिर आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो तो फिर आप उसको रिकॉल करते हो। रिकॉल मतलब रिट्रेवल करते हो, मतलब दोहराते हो कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या था उस क्वेश्चन में, तो जो जो भी आपने पढ़ा होता है उससे रिलेट आपको वो याद आने लग जाता है, ठीक है? ये हो जाती है आपकी रिकॉल मेमोरी, ठीक है? तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रेवल और रिकॉल। ये क्लियर हो गया, आगे करते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है? तो मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं या मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी के
चार प्रकार दिखाए हुए, यानी देयर इज द फोर टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट सेंसरी मेमोरी जिसको SM बोल सकते हैं, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको STM बोल सकते हैं, थर्ड वर्किंग मेमोरी जिसको WM बोल सकते हैं, फोर्थ इज लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको LTM बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको हम विजुलाइज करके, जिसको हम ऑडिटरी करके, मतलब जिसको सुन के या देख के जिसके बारे में हमें पता चलता है, ये हमारी सेंसरी मेमोरी होगी। सेंसरी मेमोरी को हम एक सेकंड से भी, कितना, एक सेकंड से भी कम समय के लिए अपने नर्वस सिस्टम में या अपने ब्रेन में याद रख पाते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है एक सेकंड से भी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टिमुलस हमारे सामने आया है, कोई दीपक हमारे सामने आया, हमने उसको देखा और उसके तुरंत ठहरते ही हमारे सामने से हम उसको भूल गए। ऐसा होता है कई बार किसी ने हमें आवाज दी या कोई हमें साउंड सुनाई दिया, उसको आवाज को सुनने के बाद या साउंड को सुनने के बाद उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब वो हमें उतनी देर तक याद रहता है जितनी देर तक वो हो रहा होता है, उसके बाद खत्म। ठीक है, ये होता है हमारा सेंसरी मेमोरी, मतलब हमने जितनी देर चीज को देख रहे हैं उतनी देर हमें याद रहेगी, जितनी देर हम उसको सुन रहे हैं उतनी देर याद रहेगी, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये होता है हमारा सेंसरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? एक सेकंड से भी कम टाइम, यानी 0.5 सेकंड से भी कर सकते हैं हम, 0.5 सेकंड से लेके हम इसको 3 सेकंड तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में इसकी जो टाइम ड्यूरेशन जो दी हुई है वो एक सेकंड से भी कम समय की दी हुई है। क्लियर। सेकंड आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी इसको STM बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्लासिफाई किया था विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स ने बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है, जिसको हम याद रख पाते हैं, वो होती है 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड तक ही हम किसी भी चीज को, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी एक्टिविटी को हम याद रख पाते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही एक्टिव मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको एक इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इमीडिएट मेमोरी मतलब तुरंत याद किया, तुरंत भूल गए, ऐसा होता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमने किसी से बात करनी है फोन पे, तो फोन में हम क्या करेंगे, उसका नंबर निकालेंगे और नंबर को डायल कर दे कान पे लगा लेंगे, उसके बाद हमें नंबर याद रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ रहा है हमें, जब तक हम उसके फोन को मिला नहीं देते, उसकी कॉल को डायल नहीं कर देते, तब तक हमें वो देखना पड़ता है उसके नाम से या नंबर से, और उसके बाद हम भूल जाते हैं, है ना। ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की पहचान। तीसरा वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को एलन ब्रैडली ने क्लासिफाई किया था। तो वर्किंग मेमोरी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह ही होती है, क्योंकि इसमें हम तब तक तो चीज को याद रख पाते हैं या जब तक हमें उसकी जरूरत होती है, जब तक हम उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर याद किया, चैप्टर याद करने के बाद आप भूल जाते हो, मतलब आपको लगा जब तक आप पढ़ रहे थे जब तक तो आपने याद किया, आपको लगा कि मुझे याद हो गया, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाता है। या फिर कोई भी वर्क जब तक हम कर रहे होते हैं, जब तक हम उसको सीख नहीं जाते, तब तक हम उसको करते रहते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाता है। हालांकि ये भी एक इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी से मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये उससे रिलेट इसलिए करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब तक चीज की जरूरत है तब तक हम उसको याद रख पाते हैं, वर्किंग मेमोरी में भी जब तक हम किसी काम को कर रहे हैं तब तक याद रख पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। LTM जिसको LTM बोलते हैं या लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्लासिफाई किया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने इसके बारे में बताया कि ये ऐसी मेमोरी होती है जो व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड तक तो याद रख पाता है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसे कितने लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको व्यक्ति लॉन्ग टर्म मेमोरी को तब तक भी याद रख सकता है जब तक उसकी लाइफ का एंड नहीं होने जा रहा होता। ठीक है, मतलब पूरी उम्र भर भी याद रख सकता है और 30 सेकंड से ऊपर भी याद रख सकता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंट नाम से किससे जाना जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के नाम से। ठीक है, तो ये सारा आज क्लियर हो गया मेमोरी क्या होती है, एनकोडिंग मेमोरी,
स्टोरेज मेमोरी और रिट्रेवल मेमोरी आज हमने पढ़ लिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने सेंसरी, शॉर्ट टर्म, वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को पढ़ लिया, ये सारा आज हमने पढ़ लिया। अब आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेमोरी के अंदर ये मॉडल ऑफ मेमोरी आएगा, तब मैं आपको इस चीज के बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से चीजें हमें याद रह जाती हैं और किस तरीके से हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय एंड टेक केयर।